जाते जाते आंखें आज फिर नम कर गया। आसमां से आज एक और सितारा कम हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की, जिन्होंने अपनी शायरी से पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उम्र के फेर में आज इंदौरी साहब भी आत्मलीन हो गए। कोरोना पॉजिटिव व सांस लेने में परेशानी के चलते बीते मंगलवार को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में राहत इंदौरी साहब को भर्ती कराया गया था। हालांकि 70 वर्षीय इंदौरी साहब का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताते हुए कहा कि इंदौरी एक मशहूर शायर के साथ ही एक बेहतरीन शख्सियत थे। अपनी इस शायरी और नज्म की बदौलत वह प्रशंसकों के दिलों पर राज करते थे। उनके निधन से साहित्य और उर्दू शायरी के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुशायरे की महफिलों में राहत साहब की गैर मौजूदगी काफी रंजीदा रहेगी। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये शेर राहत इंदौरी साहब को हमेशा जिंदा रखेंगे। इंदौरी साहब ने अपनी शायरी से हर एक वर्ग के लोगों पर अपनी पहचान की छाप छोड़ी है, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग। इनकी शायरी बुलाती है मगर जाने का नहीं ने कई सोशल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाया। वाकई राहत साहब के द्वारा बोली गई हर एक शायरी का एक अलग ही रूहानियत अंदाज होता था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का आखिरी शेर, जो उनके बेटे सतलज ने मीडिया से साझा किया, नए सफर का ऐलान भी नहीं होता तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ते हैं जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई है मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता, तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता। तो कुछ इस तरह का मिजाज था मुशायरों के बादशाह डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का, जिनका सूक्ष्म रूप तो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन स्थूल रूप हमेशा साथ रहेगा।